और हमारी जगह बोलता है हमने जी दो बंदे और लाए और वो भी साइकेट्री पागल है, वो उनके पीपीओ नंबर चेक करो। अच्छा पागलों को यहाँ वो पागलों को भर्ती क्या, और पूरी सिक्योरिटी देखो हैंडीकैप सारी है, और अच्छा बंदा जो है उसको बाहर साइड पे कर लेते हैं। क्यों कि हमने यहाँ मेहनत की है, इस हॉस्पिटल के लिए बहुत हमने मेहनत की है, यहाँ पर बहुत हमने काम किया, जो 9 साल से 10 साल से बहुत काम किया हमने। उसके अलावा देखने में आ रहा है कि आज सिक्योरिटी वाला जो है बिल्कुल गेट पे कोई नहीं। देखिए सर, इसने क्या किया है कि अब जो अच्छे अच्छे सिक्योरिटी वाले हैं वो सब इन्होंने टर्मिनेट कर दिए। अब ये जो है हैंडीकैप, ये टोंटे काने ये लगाए हैं, किसी के मुंह में दांत नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, वो कहां देखो कुत्ते अंदर जा रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी वाला कोई नहीं यहाँ पे, कोई नहीं। देखो गाड़ियां यहाँ अभी गाड़ियां देखो गेट खुला है, कोई गेट खुला है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये सिर्फ पड़े हैं अच्छे बंदों के पीछे। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अगर हम इनको गलत में साथ देंगे तो ये हमें दबा के रखते हैं, अगर नहीं हम सच बोलेंगे बोले ये तेज है इनको भगा दो यहाँ। आप बखूबी जानते हैं कि हाल ही में यानी कुछ महीने पहले जो है जीएमसी में प्रोटेस्ट हुआ था, और जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या जितने भी यहाँ पर जॉब करते थे खासतौर पर जो प्राइवेट कंपनी के थ्रू यहाँ पर लगे हैं, उनने जो है सैलरी को लेके जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था, और कहा यह जा रहा था कि पिछले कहीं टाइम से हमारी सैलरी जो है नहीं दी जा रही थी, और बात सिर्फ सैलरी को लेके थी, लेकिन होता क्या है यहाँ पर कि उन लोगों में से कहा जा रहा था कि 16 लोगों को फिर जो है कंपनी की तरफ से टर्मिनेट किया गया, और 16 में से बाद में देखा गया कि 3 या 4 लोगों को टर्मिनेट किया गया, और जिन लोगों को टर्मिनेट किया गया वो हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि पिछले कहीं टाइम से ना इनके पास टर्मिनेशन लेटर है, और ये कहा जा रहा है कि हम जॉब तो कंटिन्यू कर रहे हैं लेकिन ना हमें सैलरी है ना ही हमें यहाँ पर कोई पूछताछ है। तो आज बातचीत जो है इन्हीं से करेंगे। सर सबसे पहले आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका। मेरा नाम रियाज अहमद है। रियाज जी, सबसे पहले जानने की कोशिश करूंगा जीएमसी को लेके कि जीएमसी में एज ए सिक्योरिटी गार्ड आप कब से जो है जॉब कर रहे हैं? सर मैं 2014 से सुपरवाइजर यहाँ पे हूँ, सीनियर सुपरवाइजर। ठीक, क्या 2014 में आप किस तरह यहाँ पर लगे थे? 2014 में जब नई सिक्योरिटी आई थी यहाँ पे सिक्योरिटी चलने नहीं थे, लोग आ जाते थे और सिक्योरिटी वालों को उठा के फायर देते थे साइड पे। बाद में उन्होंने मुझे बोला कि आप होमगार्ड के ट्रेन बंदे हो, आप आ जाओ, और एक्सपीरियंस वगैरह मांगा, तो हमने वो ज्वाइन किया वहाँ पे जम्मू में जाकर। आप जो है तब से जो है आप काम कर रहे हो? तब से काम कर रहे हैं, लॉकडाउन में भी रात दिन हमने काम किया, और तब 4,000 या 5,000 सैलरी होती थी और हमें 10,000 रुपये खर्चा आता था, और लॉकडाउन में रात दिन काम करके आज हमें ये बोल रहे हैं कि अब आप साइड भी हो जाओ। ऐसा क्यों? ऐसा यही कि पहले भी आप लोगों को पहले पता कि 5 महीने की सैलरी ने पहले हमारी खाई थी। किस कंपनी ने खाई थी? ये इस तिरंगा की कंपनी ने, तिरंगा मतलब 5 महीने की सैलरी पहले दी नहीं, वो भी हमारे ऑफिसरों का मसला था, इन्हीं की वजह से हुई थी। उसके बाद जब ये वैली सिक्योरिटी आई, इसमें जब हम गए तो इसमें भी इन्होंने 2 महीने की तनख्वाह बंद कर दी। हमने सैनिटेशन और सिक्योरिटी ने मिलकर यहाँ प्रोटेक्शन किया, जब प्रोटेक्शन किया तो मैडम आई, उसने बोला हाँ मैं तनख्वाह डाल दूंगी। दूसरे दिन तनख्वाह आई और वो भी काट के आई, किसी को 2,000 आई, किसी को 4,000 आई। उन लोगों ने प्रोडक्शन किया कि भाई हमारी तनख्वाह क्यों काटी गई, क्या कारण है, तो 10 मिनट के बाद ऑर्डर आता है कि सीओ साहब ने 16 बंदों को टर्मिनेट कर दिया। ठीक, उसके बाद जब सीओ साहब ने सीओ साहब ने क्यों टर्मिनेट किया, आप तो प्राइवेट कंपनी के, वही तो हमें कोई पता नहीं यहाँ एक बीवी के कितने खावंद हैं। सीओ साहब बोलता मैं ही हूँ, बाकी बोलते मैं ही हूँ, सीओ साहब ही हमें सारा कुछ करते हैं, अटेंडेंस वही देखे। आप लगे वो कभी यहाँ आई कभी बात नहीं? नहीं नहीं, जब जिस दिन लगे थे उस दिन वो आई थी, उनने बोला फॉर्म भरो, बाकी कुछ नहीं उन्होंने, और वो भी नूर अली सर ने बोला कि 103 लड़के इनको पहले एडजस्ट करो उसके बाद नए, और वो 103 है ही नहीं, दूसरे नए नए आ गए, हमें पता ही नहीं कहाँ से आए हैं। तो उसके बाद जब ये बात हुई तो सीओ साहब ने बोला कि 16 बंदों को टर्मिनेट किया, तो दूसरे दिन देखते हैं 4 बंदों का टर्मिनेट ऑर्डर आ गया, प्रोटेक्शन तो सारे कर, और जो 4 बंदे वो तो वहाँ थे ही नहीं। ठीक है, और जिन्होंने नाराबाजी की, जिन्होंने गाली गलौज किया, उनको कुछ नहीं बोला, और हम लोगों पर एक्शन किया, और हमारी जगह बोलता है हमने जी दो बंदे और लाए और वो भी साइकेट्री पागल है, वो उनके पीपीओ नंबर चेक करो। अच्छा पागलों को यहाँ वो पागलों को भर्ती किया, और पूरी सिक्योरिटी देखो हैंडीकैप सारी है, और अच्छा बंदा जो है उसको बाहर साइड पे कर लेते हैं। क्यों कि हमने यहाँ मेहनत की है, इस हॉस्पिटल के लिए बहुत हमने मेहनत की है, यहाँ पर बहुत हमने काम किया, जो 9 साल से 10 साल से बहुत काम किया हमने, लेकिन अब ये हमें समझ नहीं है टॉर्चर क्यों कर रहे हैं। अगर हम में से किसी भी जो भी हमें निकाले, इसमें से 2 को लगा दिया मैडम ने, जब ये हमें उन मतलब बोला कि आप टर्मिनेट किया ना, हमारे पास टर्मिनेट ऑर्डर इन्होंने दिया ना, कोई कुछ किया, तब तक हम मैम के पास चले। प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छी हमारी है, उसने बोला कोई बात नहीं बेटे, आप मैं आपकी बहन हूँ, आपकी माँ जैसी हूँ, आप काम करते, कोई नहीं। 3 महीने से हम ड्यूटी कर रहे हैं, ना हमें सैलरी मिल रही है,
ना है, बायोमेट्रिक हो रहा है आपका, बायोमेट्रिक बंद कर दिया शिव सर ने अकाउंट ऑफ, ये तो वो तो वही तो हम डेली मैम को बोल रहे हैं, बोलती आज करेंगे कल करेंगे कोई बात ना आप काम करते रहो, कल बोलती है नहीं जी मैं जेब से तनख्वाह दूंगी, ये कौन सा मसला है। चीफ अकाउंट ऑफिसर को चाहिए कि वो आपको अपना अकाउंट संभाले, ना कि वो हाजिरी देखे या हम गरीबों को टार्चर करें। तो वही ज्यादा आपसे बिल्कुल, जब से सीओ साहब यहाँ आए हैं जून में उन्होंने मतलब ज्वाइन किया है और जुलाई से हमारी तनख्वाहें जुलाई अगस्त और नवंबर तक खत्म हो गई है, वो मिली नहीं हमें। अच्छा मिली मिली नहीं है, अब उस पर कोर्ट केस किया है, वो जो पीएफ है वो भी नहीं हमें है, जून में आया है वो यहाँ पे। और मोहन इकबाल हैं बलेसा के, इकबाल साहब भद्रवा के जो है उन्होंने ये यहाँ पर नहीं, जब आपने प्रोटेस्ट किया उसके बाद टर्मिनेट आपको किया, तब से लगातार आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं? तब से हम कंटिन्यू लगातार काम बिल्कुल कर रहे हैं, मैम के कहने के से कर रहे हैं। तो आज मैडम बोलती है नहीं जी, उसको भी कोई दबाव है, कल मैडम ने हमको घाट में लिया बुला के, सीओ साहब को भी लाया और अकाउंट ऑफिसर को भी लाया, माजिद सर हैं भद्रवा के उनको भी लाया वहाँ पर, माजिद सर ने भी कुछ नहीं बोला, मैडम ने बोला 10 बार बोला कि इनका कुछ करो, तो सीओ सर नहीं मानते, मेरे पास बजट नहीं है, और बजट नहीं है तो ये कहाँ से लगाए, और ये पागल जो हमारी जगहों पर लाए ये कहाँ से लाए, हम यही जानना चाहते हैं कि हमारा कारण क्या, हमें किस बेस पर इन्होंने टर्न किया। आपको नहीं चाहते लगा? नहीं चाहते, क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम उसका साथ नहीं देते, वो गलत रास्ते पे चलाना चाहते हैं, हम उसमें साथ नहीं देते क्योंकि हम साथ गलत देते नहीं किसी को। मतलब क्या गलत कराना चाहते हैं? अब वो उसका है, उसका कहना अलग है, कभी वो किसी के पीछे पड़ता, कभी लेडीज के पीछे पड़ता, कभी कुछ पड़ता है, लेकिन वो उसका मतलब है क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत मेहनत की है, मेहनत से यहाँ हमें अपनी माँ बहनें आती हैं, हम 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। हमने देखा पहले भी आपने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस पकड़े हैं जो गलत यहाँ पर हो रहा था जी, अभी जी अभी भी वो, ये तो एक बात है ना, ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ पर काम अच्छा करते हैं इसकी वजह से आपको टारगेट किया जाए? असल में वही है कि इनको हमारा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये यहाँ रहेगा तो हम बदमाशी नहीं कर पाएंगे, हम बदमाशी नहीं कर, इसलिए ये हमें टॉर्चर करते हैं। आपको पता है 2-3 साल पहले मैंने ओपीडी पे छापा मारा था और वहाँ से 2 लेडीज और 8 जेंट्स पकड़ के दिए, वो भी स्टाफ के थे, वार्ड नंबर 2 में पकड़ दी, वो भी तो सुप्रिंट को पकड़ दी, यहाँ डॉक्टर हनीफ सर हैं, बाकी मुलाजिम हैं उनको गवाह हैं वो सारे, SSP तक पता चला था। तो ऐसे जो था वही कारण है फिर या वही कारण है इसलिए हम गरीबों को तंग करते हैं। नहीं, जब आपसे ये भी जानने की कोशिश करूँगा, आपने काम यहाँ पर किया, आप लगातार, हमने भी देखा लगातार आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, लगातार आप सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि मैडम ने कहा हुआ है, तो मैडम एक तरफ से कह रही है और सीओ साहब कहते हैं नहीं, तो क्या उनको आपस में तालमेल ठीक नहीं? यहाँ पे इनका कोई तालमेल नहीं है, यहाँ पे अकाउंट ऑफिसर है वो सीओ साहब से लड़ता है, चीफ अकाउंट ऑफिसर चीफ अकाउंट साहब उससे लड़ता है, हमें कोई पता नहीं कौन सी ये खलबली मची, आज से नहीं बल्कि 2-6 महीने साल से हम देख रहे हैं इनके, वो चूहे और बिल्ली की लड़ाई है और पीछे जा रहे हैं हम गरीब, हम इसी पर बच्चे पाल रहे थे, एक लेडीज हमारे पिछले 3-4 महीने तो सैलरी नहीं है, तो घर का खर्चा किस तरह हो रहा है? कुछ नहीं कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, सब भूखे मर रहे हैं, लेकिन ये भी मैम की वजह से कि मैम ने बोला आप काम करते रहो मैं इधर ही हूँ, आपको कोई नहीं हटाएगा। मतलब 4 महीने तक आपने उधार भी लिया होगा, सामान लिया होगा घर का, कोई अब कोई उधार देता नहीं, देखो अभी ये लेडीज जो मेरे साथ दूसरी थी अभी गिर के चक्कर आ गया तो इसको अंदर ले गया, तो हमारे पास पैसे नहीं थे दवाई के लिए। नहीं, वैली वालों से आपने बात की? वैली वालों की कोई गलती नहीं इसमें, वैली वाले हम जानते नहीं बेचारों को, एक बार आए थे वो, उसके बाद वो इधर आए नहीं है, ना उनके पास हमारे फोन नंबर है, ना उनके हमारे उनके पास है, तालमेल ही नहीं, कोई तालमेल नहीं, यहाँ सिर्फ यही चलाते था, सीओ साहब ही चला रहा था यहाँ से, पता नहीं कैसे क्या कर रहे थे, नए लोग एडजस्ट किए ना, ये तो पहले तो हम 50 लोग थे टोटल, बाद में इन्होंने वो अटेंडेंट लगा के 103 कर दिए, अब बोलते हैं होशियार सिंह है, साइकेट्री लगाया है फौजी एक, और इस पे पीपीओ नंबर पे लिखो, देखो इसको, ये साइकेट्री है, हमें चाहिए कि इसके पूरे डॉक्यूमेंट चेक करें और हमारे भी डॉक्यूमेंट चेक करें, हमारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने लिए, उनकी यही गलती है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे उन्होंने, हमारे डॉक्यूमेंट्स देखे वो कि अगर ये ठीक है, अगर ये सीनियर हैं, अगर ये सच्चे हैं तो इनको लगाया जाए कि किसी मेंटल को पागल को लगाया जाएगा, कल कोई पंगा हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, अगर अब आपको सैलरी नहीं दिया जाएगा या वापस लगाया नहीं जाएगा, वापस, क्या अगर वापस नहीं लगाया जाएगा, अगर हमें वापस नहीं करेंगे ये भी 24 घंटे के अंदर अंदर यहीं हम एक बंदा जान दे देंगे, उसकी जिम्मेदारी इकबाल साहब को होगी, जो चीफ अकाउंट ऑफिसर हमारे हैं उसको होगी। मतलब सीधे धमकी? बिल्कुल बिल्कुल, हम कहाँ करेंगे, 10 साल हमने यहाँ काम किया, अब कहाँ जाएंगे हम, हैं? अब जिसको भी हम कुछ बोलते हैं बोलते नहीं जी आप 10 साल से यहाँ काम कर रहे हो, आपको
कैसे हटाए, किस मुंह से हम बोलेंगे, किस ये कारण बताए हमें, हमने कौन सी चोरी। आप यहाँ पर टिके हुए हैं रोजाना? बिल्कुल बिल्कुल, रोजाना काम करते हैं, सुबह से आज हम धरने पे हैं, मैं चुप ही बैठे हैं क्योंकि ये हमारे साथ बात करें। अब मैम भी बोलती है हमारे साथ कुछ नहीं है, कल तक बोलती थी बच्चे आप मेरे बच्चे हो, ये हो वो, लेकिन हम फिर भी मैम से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम हमारा आर्डर वापस करो। तो आपने देख लिया साफ तौर पर क्या कुछ कहना है, काफी नाराजगी जो इनके अंदर है, क्योंकि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जीएमसी में धांधलियां हो रही थी, जीएमसी में जो है गफले हो रहे थे, यहाँ पर जो है काफी कुछ गलत हो रहा था, जिस चीज को हम बार बार जो है यहाँ पर पकड़ते थे, और कहीं ना कहीं ये कुछ अफसर्स को जो है बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने जो है किसी और केस में हमें जो है टर्मिनेट कर दिया गया, हमारी सैलरी को रोका गया, हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया गया ताकि वो यहाँ पर गलत एक्टिविटीज करें और उनको जो है यहाँ पर इनके जाने के बाद जो है फायदा मिले। तो कहीं ना कहीं जीएमसी पे और शक की सुइयां जो है खड़ी हो रही है, क्योंकि लगातार जीएमसी में देखा ये गया कि बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर जो है हम भी मॉनिटर करते हैं कि सही नहीं होता है, लेकिन आज जो है खुद जो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर लगातार 10 सालों से रहे, इनके मुंह से आपने ये हकीकत सुन ली है कि क्यों इनको निकाला गया है, क्या कुछ कारण है। अब देखना यह है कि इस सब को लेके क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ सच है, क्या कुछ झूठ है, और जो इनके साथ पिछले 3 महीनों से किया गया है, क्योंकि 3 महीने से लगातार ये यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, लेकिन ना इनको सैलरी है, ना इनको अटेंडेंस लगाने दिया जा रहा है। एक तरफ से मैडम कहती है कि आप काम करें, एक तरफ से अकाउंटेंट्स पर कहते हैं कि आपको जो यहाँ पर हो ही नहीं, वैली वालों का पता नहीं आखिर ये चल तो चल क्या रहा है। उम्मीद है इस सब पे जो है संज्ञान लिया जाएगा, खास तौर पर जीएमसी को देखा जाएगा आखिर क्या कुछ धांधलियां जो है जीएमसी में चल रही है, क्यों जब कोई हक की बात करता है तो उसके खिलाफ जो है इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है यहाँ पर चलाया जाता है। तो उम्मीद है प्रिंसिपल मैम इस पे कार्रवाई करेगी, उम्मीद है वैली जो एजेंसी यहाँ पर काम करी वो कार्रवाई करेगी, और उम्मीद है डिप्टी कमिश्नर डोडा जो जीएमसी में आए दिन जो है फोकस करते हैं, दौरा यहाँ पर लगाते हैं, और उनसे भी यही उम्मीद है कि वो यहाँ पर जो है फोकस करें और देखें आखिर ये मामला जो है क्या।